हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद गोस्वामी। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा टॉपिक? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो प्रथम अवशेष थे वो हमें हड़प्पा नामक स्थल से मिले थे, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि थी, जो शुरुमान्य काल था, वो कब से कब तक का रहा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस टाइम पीरियड का पता कौन सी पद्धति द्वारा लगाया गया? ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। तो कौन सी पद्धति थी वो? कार्बन डेटिंग पद्धति। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसको कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में लोग पित्तल और कांस्य धातु का प्रयोग करते थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता की जो सीमाएं थी वो कौन कौन सी थी? जो उत्तरी स्थल था वो था मादा नामक जगह, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और जो दक्षिणी स्थल था वो है दाइमाबाद, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। और जो पूर्वी सीमा है वो कौन सी है? आलमगीरपुर, जो कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। कौन सी जगह है पूर्वी स्थल? आलमगीरपुर, जो यूपी में पड़ता है और यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पश्चिमी सीमा है, जो पश्चिमी स्थल है वो कहाँ पड़ता है? कौन सा है वो? है सुतकांगेडोर, और जो कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। तो ये याद रखना आपको। अब है नदियों के किनारे जो बसे जो हड़प्पा कालीन नगर है वो कौन कौन से थे और किस किस नदी के किनारे बसे हुए थे? तो वो थे हड़प्पा, जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रावी नदी के किनारे। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से हरा नाम से भी याद रख सकते हैं, है से हड़प्पा और रे से रावी, ठीक है। अब आता है मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। मोहन, इसको हम शॉर्ट ट्रिक्स में ऐसे भी याद रख सकते हैं, मोसी नाम से, मैं से मोहनजोदड़ो और सह से सिंधु नदी। लोथल, लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। ये लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। किस नदी के किनारे बसा हुआ था? भोगवा नदी के किनारे। इसे शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोबी नाम से भी याद रख सकते हैं, लैसे लोथल और भैसे भोगवा। अब आता है रोपड़, रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। सुतकांगेडोर, दाशक नदी के किनारे बसा हुआ था। कुनाल, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। बनवाली, सरस्वती नदी के किनारे। और ये जो चहुंदड़ो है ये भी ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। अब पढ़ते हैं हम नगर विन्यास पत्ति कैसी थी, सिंधु सभ्यता की नगर विन्यास पत्ति कैसी थी। जो नगर थे वो जालपत्ती, जो जालपत्ती है उसके द्वारा बसाए गए थे, यानी कौन सी पद्धति यूज की हुई थी? जालपत्ती, जिसको इंग्लिश में ग्रिड पत्ती भी कहते हैं। गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरह से। किस पे काटती थी? समकोण पे काटती थी। वास्तुकला, अब क्या पढ़ेंगे हम? वास्तुकला। वास्तुकला पता है क्या होती है? जो भवन निर्माण कला होती है उसको वास्तुकला कहते हैं। भारत में वास्तुकला का प्रारंभ किसने किया था? सिंधुवासियों ने किया था। सर्वप्रथम भारत में वास्तुकला का प्रारंभ किसने किया था? सिंधुवासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, चार ऑप्शन दे देते हैं, ग्रामीण, शहरी, नगरीय, क्या थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो कौन थी, कौन सी थी? अन्नागार थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। सिंधु सभ्यता के अंदर जो नगर थे, उन नगरों के जो घर थे उनमें मोस्टली फर्श कच्चे ही मिलते थे, लेकिन कालीबंगा में पक्के फर्श के अवशेष मिले हैं। क्या है, उस सभ्यता के अंदर घरों के जो फर्श होते थे वो मोस्टली कच्चे होते थे, लेकिन जो कालीबंगा में है वो क्या, पक्के फर्श होने के अवशेष मिले हैं। अब बात करते हैं हम कृषि के बारे में। सिंधुवासियों ने सर्वप्रथम किस फसल का उत्पादन किया था? कपास का। किसका उत्पादन किया था? कपास का। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। चावल के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? लोथल से। ये लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में, तो ये भी याद रखना है। बाजरा के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं सौराष्ट्र से मिले हैं। रागी और सरसों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? काली बंगा से।
गन्ने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ये कई बार पूछ लिया जाता है भी कौन सी फसल का हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें ऑप्शन में गन्ना दे दिया जाता है, तो क्या बोलेंगे हम, गन्ने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। पशुपालन की बात करते हैं, पशुपालन में सिंधुवासी कौन से पशुओं से परिचित थे और कौन से पशुओं से परिचित नहीं थे, तो कौन से पशु थे जिनसे वो परिचित थे, हाथी और घोड़े से परिचित थे। लेकिन ये याद रखना है, हाथी और घोड़ा उनका पालतू पशु नहीं होता था, और परिचित नहीं थे, कौन से जानवर से परिचित नहीं थे, शेर से परिचित नहीं थे। हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, सुतकोटदा से, सुतकोटदा से हमें घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं सिंधुवासियों के व्यापार एवं वाणिज्य की। उस टाइम में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, जो क्रय विक्रय था वो वस्तु विनिमय पर आधारित होता था। किस पे आधारित होता था, वस्तु विनिमय पर आधारित होता था। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे, अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। अब करते हैं हम उनके धर्म की बात। हड़प्पा से मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, क्या है, हड़प्पा से उनका ना कोई विशेष धर्म नहीं होता था वैसे, लेकिन हड़प्पा से मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो की एक मोहर से। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिले हैं, वो पीपल एवं बबूल की पूजा करते थे। कौन कौन से वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल एवं बबूल की पूजा करते थे। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है कि हड़प्पा में मंदिर का तो कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो लोग मूर्ति पूजा में जरूर विश्वास रखते थे, उनका कोई विशेष धर्म भी नहीं होता था। और एक मोहर से, मोहनजोदड़ो की एक मोहर से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। पशुओं में वो कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, वृक्ष पूजा में वो पीपल एवं बबूल की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद के साक्ष्य मिलते हैं। वो लोग किस चीज़ में विश्वास रखते थे, प्रेतवाद में, भक्ति में और पुनर्जन्मवाद में। अंत्येष्टि के प्रकार, अंत्येष्टि होती है मतलब जब इंसान मर जाता है तो उसको किस प्रकार से दफनाया जाता है या जलाया जाता है, इसके वो जो होते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के अंदर कई जगह पे तो शव को दफनाते थे, कई जगह पे जलाते थे और कई जगह पे युगम समाधियाँ भी मिली हैं। तो देखते हैं हम कहाँ क्या होता था। हड़प्पा में शव को दफनाते थे, मोहनजोदड़ो में जलाते थे, लोथल एवं कालीबंगा में युगम समाधियाँ मिली हैं। युगम समाधियाँ मतलब पति और पत्नी को साथ ही दफनाया जाता था। तो ये कहाँ से मिली है युगम समाधियाँ, लोथल एवं कालीबंगा से। हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये कि रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। तो कहाँ से मिले हमें मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य, रोपड़ से मिले हैं। लिपि, उन लोगों की लिपि कैसी थी, क्या पढ़ेंगे हम लिपि के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लिपि पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है, एले बैंडल ने किया है। इसको पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, एले बैंडल ने किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है, प्राक ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। किस युग में रखा जाता है, प्राक ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो कौन थे, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। इसके सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, गुजरात में। कहाँ खोजे गए हैं, गुजरात में। लोथल और सुतकोटदा, क्या है, लोथल और सुतकोटदा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। तो इसके प्रमुख दो बंदरगाह कौन से थे, लोथल एवं सुतकोटदा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब पढ़ेंगे मन के बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं, लोथल एवं चहुंदड़ो से मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं, लोथल एवं चहुंदड़ो से। और जो मुख्य फसलें थी वो कौन कौन सी थी, गेहूं और जौ। इस सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो थी गेहूं और जौ। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। यहाँ के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। ये क्या है, धरती को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इसलिए इस सभ्यता को मातृस्तात्मक सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं, मातृस्तात्मक सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता में वैसे कुप्रथाएं भी थी, पर्दा प्रथा का चलन था, वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। कौन कौन सी कुप्रथाएं थी, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के
कि पतन का कारण मुख्यतः बाढ़ को माना जाता है, लेकिन ये एक कारण ना होके इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। इसके पतन का मुख्य कारण आर्यों का आक्रमण भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।